गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मैक्सिमम मिनिमम और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन। तो मैक्सिमम मिनिमम और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन इस सेशन में हमें प्रैक्टिस करना है और उसी के थ्रू हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में आपसे पूछ रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू हैज ये ऑप्शन में दे रखा है लोकल मैक्सिमम, बी में दे रखा है लोकल मिनिमम सी में दे रखा है बोथ लोकल मैक्स लोकल मिन एंड डी में दे रखे हैं नीदर लोकल मैक्स नॉर लोकल मिन, नीदर लोकल मैक्स नॉर लोकल मिन। ये बताना आपको क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो आपके पास टाइम है 45 सेकेंड्स का। 45 सेकेंड्स में आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है। तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एग्जैक्टली एक्स क्यूब पे आपसे पूछ रहा है लोकल मैक्सिमा होगा लोकल मिनिमा होगा, बोथ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगा, ना लोकल मैक्सिमा होगा ना लोकल मिनिमा होगा। तो आई होप आपको पता होगा कि इस केस में आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको क्रिटिकल पॉइंट्स देते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव से आपको पता चलता है कि मैक्सिमा आता है मिनिमा आता है। ठीक है, तो कुलदीप का आंसर डी आर। और किसी का आंसर डी आर, अनिल का भी आंसर डी। चलो चेक करते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। दो तरीके मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले तो देखो जिनको फ्लो नहीं पता उनको मैं फ्लो समझा देता हूँ कि आपको कैसे पता करा जाता है कि मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द डोमेन। हमेशा आप डोमेन जरूर आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप आपका होता है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो और जीरो के बराबर पुट करो अपने फंक्शन। डिफरेंशिएट करके आप जीरो के बराबर पुट कर देंगे तो आपके इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एक मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो। ठीक है, जो भी रूट्स आएंगे क्रिटिकल पॉइंट उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं एंड दिस शुड बी द पार्ट ऑफ डोमेन, दिस शुड बी द पार्ट ऑफ डोमेन। ओके, अगर डोमेन के बाहर है तो आप बोल दोगे कोई क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर आप क्या करते हैं थर्ड स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट करते हो दोबारा। डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें पॉइंट रखना इंपॉर्टेंट है जो भी क्रिटिकल पॉइंट आपने कैलकुलेट किया। तो बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ सकते हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट का एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ से सिनेरियो क्या क्या बन सकते हैं, ये एफ डबल डैश एक्स नॉट क्या आ सकता है पॉजिटिव, क्या आ सकता है नेगेटिव, क्या आ सकता है जीरो। अगर एफ डबल डैश एक्स नॉट पॉजिटिव आ गया तो क्या बोलते हो आप, लोकल मिनिमा। कहाँ पे पॉइंट भी तो बताना पड़ेगा, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू, ये क्या देगा आपको लोकल मैक्स। कहाँ पे लोकल का मतलब ही होता है कि किसी पॉइंट पे। ठीक है, लोकल वर्ड का मतलब होता है कि आप किसी पॉइंट पे इंटरेस्टेड। ग्लोबल का मतलब होता है कि आपको पूरे फंक्शन में पता करना कौन सा हाईएस्ट मैक्सिमा कौन सा मिनिमम। एग्जैक्टली जीरो पे क्या करते हैं आप, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे आप जाते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब यहाँ पे आप कोई डिसीजन ले पाने में कैपेबल नहीं। तो आप फिर क्या करते हो, चौथा डेरिवेटिव स्टेप फोर पे जाते हो और स्टेप फोर पे जाने के बाद इसको ट्रिपल टाइम्स डिफरेंशिएट करते हो। जब आप ट्रिपल टाइम्स डिफरेंशिएट करते हो ना सेम एक्स नॉट पे, तो आपको चेक करना होता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ दो स्टेप, तो आपको समझ में आ जाएगा। तीन बार डिफरेंशिएट करना, फिर आप यहाँ से क्या करोगे, इसमें पॉइंट डालना,
में पॉइंट डालना है। अगर ये पॉइंट डालने से नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसको क्या बोल दोगे आप, सैडल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे ना तो मैक्सिमा आपका अकर करता है ना ही आपका मिनिमा अकर करता है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो टेंजेंट आपका आएगा वो हमेशा कौन सा साइन देगा, ना तो हमेशा पॉजिटिव देगा ना तो हमेशा नेगेटिव देगा। चलो अगला देखो यहाँ पे, बाय द वे अगर ये जीरो आ गया तो, अगर ये एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट आपका जीरो आ गया उस केस में आप क्या करना, फिर से आना चार बार उसको डिफ्रेंशिएट कर। चलो पहले इतना देख लो फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। ये देख लो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहाँ तक। पहले ये तीनों स्टेप्स वन बाय वन आप एक बार एब्जॉर्ब करिए फिर उसके बाद वाला स्टेप आपको समझाता हूँ। ठीक है चलो, तो देखो अब यहाँ पे दो केसेस आपको बन सकते हैं। अगर ये बाय द वे आपका जीरो आ गया तो क्या कहाँ पे चले जाना, स्टेप फाइव, फिर क्या करोगे, अभी इसको चार बार आप डिफरेंशिएट करना, चार बार डिफरेंशिएट करने के बाद सेम पॉइंट इसमें पुट करना और वापस से ये वाला स्टेप रिपीट कर लेना, रिपीट स्टेप थ्री। ठीक है चलो एक बार देख लो यहाँ तक, फिर आप आके हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस, समझ गए, चल सकते हैं आगे। चलो अब यही सेम सारा का सारा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, सेम लॉजिक इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब आपको मेंशन कर रखा है, तो सबसे पहले आप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के पास जाएंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करो, यह है थ्री एक्स स्क्वायर, इसको जीरो के बराबर पुट करोगे तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला आपको, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स इक्वल टू जीरो पे मिनिमा है या मैक्सिमा उसके लिए डबल डैश एक्स पे आप जाएंगे, ये आपको मिलेगा सिक्स एक्स, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को पुट करोगे ये वैल्यू मिल जाएगी जीरो। इसका मतलब आपका जो क्रिटिकल पॉइंट के बाद एफ डबल डैश एक्स है वो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, आप क्या करोगे वापस से एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ये सिक्स। हमने बोला था कि अगर ये नॉन जीरो आपका आ जाए तो इसका मतलब जो भी x इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट है ये कैसा पॉइंट हो जाएगा, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट का मतलब होता है नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट अच्छे से दिमाग में बिठा लो, और यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो जो आपके इवन ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन होते हैं वो आपका डिसीजन देते हैं लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा में, और जो आपके ऑड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन होते हैं वो आपके सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जितने भी ऑड ऑर्डर्स होते हैं जैसे ये तीन बार हो गया पांच बार हो गया सात बार हो गया वो हमेशा सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताएंगे, जबकि जो आप इवन टाइम्स करते हो वो हमेशा आपको लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम बताते हैं, ठीक है। एक तरीका ऐसे क्वेश्चंस को करने का ये भी होता है कि आप इनको ग्राफ से भी थोड़ा जज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं आपको ग्राफ दूँ एफ एक्स वर्सेज एक्स का, तो अगर आप एफ एक्स वर्सेज एक्स का ग्राफ लें जो एक्स क्यूब का ग्राफ, देखो सबको पता होगा एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा ही कुछ आता है, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये एफ एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपका। सैडल पॉइंट का मतलब होता है कि अगर आप इस पर टेंजेंट प्लॉट करना चालू करें एग्जैक्टली इस जीरो वाले पॉइंट पे, देख रहे हो ना, तो एक तरीका ये भी होता है सैडल पॉइंट चेक करने का कि अगर आप इसमें हर एक पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट करें और एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू जीरो पे ये टेंजेंट अपनी पोजीशन चेंज कर ले, पोजीशन चेंज करने का मतलब यहाँ पे टेंजेंट ग्राफ के ऊपर है यहाँ पे टेंजेंट ग्राफ के नीचे आ गया, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को भी क्या बोलते हैं हम लोग, सैडल पॉइंट। तो आप जीरो के अराउंड चेक करना, जीरो के अराउंड मतलब जीरो से थोड़ा पहले जाना तो आपको टेंजेंट ग्राफ के ऊपर दिखेगा, जीरो के थोड़ा बाद जाओगे तो टेंजेंट ग्राफ के नीचे दिखने लगेगा। तो जो भी पॉइंट्स ऐसा बिहेवियर शो करते हैं उनको भी आप क्या बोल सकते हो, सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। और आपको दिख भी रहा है यहाँ से कि क्या यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अगर कर रही है एक्स इक्वल टू जीरो की, नहीं, क्या मिनिमम वैल्यू कर रहे नहीं, इसका मतलब ये नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ग्राफिकली भी आप चेक करके बहुत इजीली बता सकते हैं। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो कभी कभी ग्राफिकली आप बहुत इजीली बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं लेट
एक फंक्शन है -1 to 1 belongs to R, where f(x) is equal to 2x³ - x⁴ - 10. तो पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x), व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x)। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखो जब भी सिंबल ऐसे बना होता है, देखो यहाँ पे f डॉट -1 to 1 belongs to R, इसका मतलब क्या होता है कि उसने f का क्या दे रखा है, आपको डोमेन मेंशन कर रखा है। डोमेन का मतलब x की वैल्यूज, तो वो बता रहा है x आप -1 से 1 के बीच में वेरी करा सकते हैं। अगेन आपके पास टाइम है 45 सेकंड्स का, उसमें आपको आंसर कैलकुलेट करके बताना। तो देखो ये आपके छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। एक बार मैं डेटा चेक कर लेता हूँ 2x³। ठीक है, चलो देखते हैं। टाइम अप। देखिए आपसे पूछ रहा मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करना, तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, पॉइंट्स निकालोगे कहाँ कहाँ पे मिनिमम हो सकता है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपको मिलेगा 6x² - 4x³ = 0। ऐसे ही करना, जीरो पुट करना। जब आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो देखो एक एक्स स्क्वायर तो आपको कॉमन मिल जाएगा, अंदर मिलेगा 4 - 6x = 0। आप बता सकते हो यहाँ पे आपको कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है x = 0, दूसरा मिल रहा है 3/2। ठीक है, क्या ये दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट है या कुछ और चेक करना पड़ेगा आपको, बोलो क्या ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है या कुछ और चेक करना। देखो इनको क्या क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हो, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हो, पॉइंट ऑफ जजमेंट भी बोला जाता है इनको। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या दोनों ही डोमेन के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हमेशा अभी मैंने आपको स्टेप भी लिखाया था, ये देखो स्टेप इसीलिए शुरू में लिखा दिया कि रूट्स निकालना काफी नहीं होता है, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो भी रूट्स आ रहा है क्या वो पार्ट ऑफ द डोमेन है या नहीं। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको दिखेगा 3/2 तो पार्ट ऑफ डोमेन है, तो इनको आप क्या कर देंगे, इनको कर देंगे बाहर। एक ही क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आपको मिलेगा, दैट विल बी x = 0। समझ आई बात सबको यहाँ पे? ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट जो आपने x = 0 निकाला, अब आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। तो देखो जब भी मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट आप जो भी निकालोगे वो मिनिमम मैक्सिमम सारी वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट है, अभी ये नहीं पता ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो आप क्या करो, इसमें वैल्यूज उठा के पुट कर दो। अगर आप यहाँ पे देखो f(0) की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आंसर कितना आएगा, -10। ये होती है क्रिटिकल पॉइंट वाली कैलकुलेशन। जब भी क्वेश्चन में आपसे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम वर्ड ना यूज करके सिर्फ पूछे कि फंक्शन की मैक्सिमम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बता दो, उस केस में जो ये आपके एंड पॉइंट्स होते हैं इनको भी फंक्शन में डाल के चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो ये तो हमने कैलकुलेशन किसकी करी, क्रिटिकल पॉइंट की। क्रिटिकल पॉइंट में आप 3/2 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो डोमेन का पार्ट नहीं था, तो इसको आपने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको एंड पॉइंट की कैलकुलेशन करनी चाहिए। f1 यहाँ पे डाल के चेक करो, f1 डाल के चेक करोगे तो ये मिलेगा 2 - 1 - 10, या फिर ये वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए -9। और अगर आप f(-1) वैल्यू इसमें डाल के चेक करेंगे तो f(-1) आपको मिल रहा होगा यहाँ से -2 - 1 - 30। ठीक है, अब तीन चार चीजें मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी देख लो। अगर बाय द वे आप f" कैलकुलेट कर लेते, देखो अगर बाय द वे आप f" कैलकुलेट करते तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, 12x - 12x² चेक करो। अगर आप f" कैलकुलेट करते तो यहाँ से आपको मिलता है 12x - 12x². अब देखो अगर आप इसमें x = 0 डाल देते, ये तो क्रिटिकल पॉइंट इज फर्स्ट स्टेप, आप इसमें f'=0 डालते तो बताओ आंसर क्या मिलता है, 0। मतलब आपको इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ता, एक बार इसको आप और डिफरेंशिएट करते तो ये मिलता है 12 - 24x।
अब इसमें आप x इक्वल टू जीरो डालते हैं, ये आपका आ गया नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप मुझे बताओ कि x इक्वल टू जीरो वाला कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम मिनिमा या सैडल पॉइंट? ये मैक्सिमम वाला पॉइंट था, मिनिमम वाला पॉइंट था या फिर सैडल पॉइंट? तो कैसा पॉइंट था ये आपका था सैडल पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने इसलिए शुरू में जज नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था मिनिमम और मैक्सिमा। क्वेश्चन में अगर उसने मिनिमम और मैक्सिमा पूछा था तो आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, उसमें आप क्रिटिकल पॉइंट पे भी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एंड पॉइंट्स पे भी कैलकुलेट कर लो, जिस भी पॉइंट पे मैक्सिमम आ जाए वही फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। बट अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि इस क्वेश्चन में आप बता दो लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, तो आप आंसर करते कि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो भी एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो एक्स इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट पे ना तो लोकल मिनिमा होगा ना तो लोकल मैक्सिमा होगा, रादर इट विल बी अ सैडल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी जा सकती थी, एक तो मैंने मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी, दूसरा चीज में पूछ सकता था कि वॉट आर द क्रिटिकल पॉइंट। चलो मैं एक एक करके लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी। पहला, वॉट आर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से? ओनली x इक्वल टू जीरो स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? सिर्फ आपका क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू जीरो। समझ आई बात सबको? सेकेंड पॉइंट, बिहेवियर ऑफ फंक्शन behavior of function at x equal to 0, बताओ कैसा behavior? तो आप बोलोगे x equal to 0 कैसा point है? This is a saddle point. And if it is a saddle point, then it will have neither max nor min. Neither max nor min. Third point. How to calculate minimum value of function? How to calculate minimum value of function? Laptop आ गया मेरे। How to calculate minimum value of function? तो minimum value of function कैसे calculate करते हो? एक तो end point L, L का मतलब होता है left most limit। दूसरे critical points, तीसरे right most limit। इनका जो भी minimum है। ठीक है, अब यहाँ पे x नॉट बहुत सारे हो सकते हैं, x नॉट, x1, x2, x3, x4, whatever, जस्ट मैंने x नॉट लिख दिया। वैसे अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx कैसे कैलकुलेट होती है? इसमें भी लेफ्ट, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट लिमिट होती है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं राइट मोस्ट लिमिट, इनकी मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, समझ गया ना? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू भी काफी सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एट x इक्वल टू जीरो द फंक्शन fx इक्वल टू मॉड x ये पूछ रहा है आपसे। देखो इस क्वेश्चन को और इसका आंसर बताओ। मतलब वही पूछ रहा है, मिनिमा है, मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये पॉइंट आपको बताना। चलो मैं फिर से आपको 45 सेकंड्स का टाइम दे देता हूँ, सोचिए। तो सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं एक घंटे तक, सारे क्वेश्चंस का आप आंसर करो और आंसर बताओ क्या आना चाहिए। ऑप्शन भी देना क्या? चलो देखो, मिनिमा, मैक्सिमा, सैडल पॉइंट, नीदर मिन नॉर मैक्स, आंसर बताओ यार।
मिनिमम। एनी अदर आंसर? चलो टाइम अप हो गया, देखिए मिनिमम ठीक है। चलो तो जस्ट मैं एक आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये देखिए सपोज आपके पास ये फंक्शन, ये फंक्शन ऐसा दे रखा है, ऐसा एक फंक्शन दे रखा है ठीक है। मुझे बताओ, मुझे बताइए अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, वो पॉइंट्स मिल जाएंगे ना जहां जहां पे इसका स्लोप जीरो होगा, तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको मिलेंगे ये बताओ। ये तो टेंजेंट जहां जहां पे हॉरिजॉन्टल, ये मिलेगा, ये मिल जाएगा, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे एक्स नॉट एक्स वन एक्स थ्री एक्स फोर। समझ आई बात? मुझे बताना जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कभी भी ये वाला पॉइंट मिलेगा क्या आपको? ये वाला पॉइंट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉर्नर आ रहा है यहाँ, यहाँ पे भी कॉर्नर आते हैं, फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल तो होते नहीं। तो इसका मतलब किसी भी गिवन फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हमारी आदत होती है क्रिटिकल पॉइंट निकालने की, हमने डिफरेंशिएट किया जीरो पुट कर दिया, बट वो पॉइंट्स भी आपको कैलकुलेट करने चाहिए जहां पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होता है, वो भी फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जनरल सेंस में आपको समझना चाहिए कि मिनिमम और मैक्सिमम मतलब फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम। अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि जो आपका डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं उसी पे आपको मिनिमम या मैक्सिमम मिले। तो ये वाले पॉइंट्स तो आपको डिफरेंशिएट करके मिल जाएंगे, ये वाले, ये पॉइंट जनरली आपको कहाँ से देखने रहते हैं, ये पॉइंट जनरली आपको ग्राफिकली चेक करने रहते हैं या ग्राफ से आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट कभी भी आपका एफ डैश इक्वल टू जीरो वाला प्रोसेस रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ये बात आप समझ पा रहे हो? क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो जो आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हो, डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हो ना, उसमें ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स कभी भी कैलकुलेट होकर नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं कि मिनिमम या मैक्सिमम में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो आपको आगे से आदत क्या डालनी चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके क्या क्या होते हैं, एक तो वो पॉइंट्स जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाए, साथ में वो पॉइंट्स भी आपको ग्राफिकली चेक करने चाहिए जहाँ पे फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि वो पॉइंट्स भी आपके मैक्सिमम या मिनिमम के फॉर्म में कॉन्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन, अब सेम चीज़ यहाँ पे आपका हो रहा था, आपने यहाँ पे ग्राफ बनाया, अब बताओ यहाँ पे डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा क्या? एक्स इक्वल टू जीरो पे तो फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है ना, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके तो निकाल नहीं सकते। बट इसका मतलब ये क्या कि इस केस में इसका मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा को आइडेंटिफाई करने के लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट एक मेथड होता है। इसका मतलब ये नहीं जहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगता है या डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते वहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात को समझिए, आप ये बोल सकते हो कि अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना है सो वन ऑफ द पॉसिबल मेथड्स आर डबल डेरिवेटिव मेथड्स। अगर वो नहीं लग रहा है तो ग्राफिकली चेक करके आप बता सकते हैं कि क्या मिनिमम वैल्यू और क्या मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो ग्राफिकली अगर आप चेक करते हैं आपको दिख रहा है एक्जैक्टली एक्स इक्वल टू जीरो पे इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू लाइक करनी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। समझ आया ना सबको? आगे से ये पॉइंट भी याद रखें ठीक। चलो तो आंसर तो आप लोगों ने दे दिया था, बट आगे से एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर कहीं पे नहीं लगता है या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये लास्ट वाला आंसर मत लिख देना, नीदर मीन नॉर मैक्सिमम। फंक्शन कोई भी हो दुनिया का, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो अगर कोई ग्राफ बना के दे दे तो, भले ही वो डिफरेंशिएबल हो या नहीं। तो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन आप कभी भी नहीं लिखेंगे, ये पॉइंट आपको याद है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा आपसे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन आपको मेंशन कर रखा है एल एन वन प्लस एक्स माइनस एक्स, ये भी दे रखा है वेयर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन अकर्स एट एक्स इक्वल एक्स की वैल्यू पूछ, फिर से मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन। 45 सेकंड्स का टाइम आपके पास क्वेश्चन अटेम्प्ट करें।
पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है, कि कौन से पॉइंट पे आपका मैक्सिमम वैल्यू अकर करना चाहिए। डोमेन वगैरह क्लियरली आइडेंटिफाई करना, बेसिक गलती मत करना इस क्वेश्चन। एक्स इक्वल टू जीरो आंसर आ रहा है कुछ लोगों का, चेक करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इसको डिफरेंशिएट, यहां से मिला 1/(1+x-1), इसको आपने जीरो पुट किया, एक्स की वैल्यू आ गई जीरो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पुट करने के बाद ये आपका मिनिमा मैक्सिमा और सैडल पॉइंट तीनों कैटेगरीज में लाई कर सकते। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करो, ये मिलेगा -1/(1+x) का होल स्क्वायर। जब आप इसमें x इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी नेगेटिव। अगर आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है क्रिटिकल पॉइंट पे, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा बिहेव करना चाहिए, दिस विल बिकम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं व्हाट विल बी दैट पॉइंट, x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और देखो फंक्शन का जो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू पूछा था, ये आपका लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे बताया x इक्वल टू जीरो, आपको यहाँ पे ये भी चेक करना चाहिए कि क्या x इक्वल टू जीरो आपका डोमेन में है या नहीं, दिख रहा है x इक्वल टू -1। चलो अब ध्यान से देखना यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, वो मैं समझाता हूँ आपको। देखो आपने ये तो कैलकुलेट कर दिया कि x इक्वल टू जीरो इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, इसका मतलब ये कहाँ से गारंटी हुई कि इसी लोकल मैक्सिमम वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। क्वेश्चन में तो क्या पूछा है, समझिए ध्यान से बात को, क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू x की कौन सी वैल्यू पे लाई कर सकती है। ये वाला प्रोसेस आपका क्या निकाल के देता है, ये प्रोसेस आपके लोकल मैक्सिमम वाले पॉइंट्स निकाल के देखता है या वो क्रिटिकल पॉइंट्स देता है जहाँ पे लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा आकर करते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी जज करिए या इस फंक्शन का नेचर भी जज करो, नेचर इसका होगा कैसा। तो अगर आप इसका नेचर देखोगे तो ये फंक्शन है आपका ln(1+x-x), ठीक है। इसको अगर आप जीरो पुट कर देते तो यहां से मिलता है ln(1+x) = x। मतलब ये मैं पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये तो हो गया y = x। ln x का ग्राफ कैसा होता है, ln x का ग्राफ होगा आपका ऐसा। देखिए अगर आप x को x+1 से रिप्लेस करते हैं तो ये पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। जब ये पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ये है ln 1+x, चेक कर लो यार, दिख रहा है सबको, ठीक है। ये जस्ट मैंने दोनों को एक ही पॉइंट पे बना दिया और आपको दिख रहा है ये लोग एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो सिंगल पॉइंट आपका है कौन सा, x इक्वल टू जीरो। ये ln 1+x, दिस इज y इक्वल टू x, ठीक है। x का पॉइंट वो कौन सा मेंशन कर रहा है, -1 मेंशन कर, बोल रहा -1 के आगे आपको ये हमेशा कंसिडर कर लेना चाहिए। तो ये -1 पे ऑब्वियसली इन्फिनिटी को जा रहा होगा, थोड़ा सा इसको और ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, सर समझ रहे हो, ये ln x का ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। ये बोल रहा -1 के आगे कंसिडर करना, तो जरा ये देखो आप -1 से 0 के बीच में क्या हो रहा है, -1 से 0 के बीच में कौन सा ग्राफ बड़ा है कौन सा ग्राफ छोटा है। ये देखो -1 पे इसकी वैल्यू तो -1 आनी चाहिए बट ये तो -∞ पे जा रहा है। तो -1 से 0 के बीच में आप देखोगे तो ln(1+x-x) इसकी वैल्यू आपको कैसे दिखेगी, नेगेटिव। अगर आप x ग्रेटर देन 0 पे देखोगे तो ln(1+x-x) की वैल्यू आपको कैसे दिखेगी, पॉजिटिव। इसको चेक करिए और बताइए, दिख रहा है ना ये फंक्शन सबको,
मैंने माइनस वन से जीरो के बीच में आपको समझाया और एक्स ग्रेटर देन जीरो के बीच में समझाया। जब एक्स ग्रेटर देन जीरो आप लेगा तो हमेशा एल एन इंटू एल एन और वन प्लस एक्स का ग्राफ हमेशा ऊपर है। ओके ठीक है, ये बात चलिए, ये बात तो आपके फंक्शन की हो गई कि आपका फंक्शन कौन सी रेंज में पॉजिटिव है और कौन सी रेंज में नेगेटिव। ठीक, चलो अब मुझे बताओ, अब आपको मुझे ये बताना है कि अगर कोई भी फंक्शन, चलो पहले इतना समझ लो फिर मैं आगे आपको समझा। आगे यहाँ तक सबको समझ में? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन के आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा था। आपको इसकी रेंज पता चल गई कि ये जो फंक्शन था इसकी रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी। एक्स अगर आप माइनस वन से जीरो के बीच में लोगे तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, और एक्स ग्रेटर देन जीरो अगर लोगे तो ये फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो अब देखो, अगर मैक्सिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, देखो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैक्सिमम वैल्यू आपके कहाँ पे अकर कर सकते हैं इस फंक्शन की, ग्राफिकली आप देख के बताइए। ग्राफिकली ये फंक्शन आपको दे रहा है एल एन इंटू वन प्लस एक्स और एक्स के बीच का डिफरेंस, एल एन वन प्लस एक्स माइनस एक्स के बीच की गैप ही आपको आपको हमेशा निकाल के दे रहा है। तो आपको ये बताना है कि अगर इसमें एक्स के आप पॉजिटिव वैल्यूज डालते जाओगे तो ये फंक्शन आपको कैसा दिखेगा, चेक करो और बताओ। चलो मैं एक पॉइंट आपसे और पूछता हूँ, एक पॉइंट और पूछता हूँ, फिर आपको एक फाइनल कंक्लूजन देना है। आप मुझे ना पहले पॉजिटिव साइड वाले में ग्राफ बना के बताइए। अगर मैं एक्स इक्वल टू वन ले लेता हूँ तो ये वैल्यू तो वन है, ध्यान से समझना एक बार। ठीक, आप मुझे बताना एल एन टू की वैल्यू कितनी होगी, क्या वो वन से ज्यादा होगी या वन से कम होगी, चेक करके बताइए। ये देखो मैंने एक्स की वैल्यू वन ले ली, तो अभी आपको मुझे बताना है कि एल एन टू की वैल्यू वन से ज्यादा होगी या वन से कम होगी। फटाफट निकालो, एल एन टू लेस देन वन हो, बिल्कुल सही बात। टू पे देखना, टू पे देखना, एल एन थ्री की वैल्यू बताना वन से ज्यादा या वन से कम। एल एन टू पे अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू किससे मिलेगी, कितनी मिलेगी, टू से हमेशा कम मिलेगी, है ना। ऐसे अगर आप थ्री पे जाओगे तो आपको मुझे ये बताना है कि जो पॉजिटिव साइड में आपने ग्राफ बनाया इसमें कोई मॉडिफिकेशन नीडेड है या पॉजिटिव साइड में आपने करेक्ट बनाया। पॉजिटिव साइड में जो आपने ग्राफ बनाया एक्स और एल एन इंटू वन प्लस एक्स का, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नीडेड है या फिर उसको आपने करेक्ट बनाया। तो अगर आप पॉजिटिव साइड वाले ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स की हर एक पॉसिबल वैल्यू के लिए, माइनस वन से लेके इन्फिनिटी तक के हर एक पॉसिबल वैल्यू के लिए, एल एन इंटू वन प्लस एक्स माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी ना, नेगेटिव वैल्यू, चेक कर लो और बताओ। ठीक है, इज इट फाइन। तो मेरे कहने का मतलब है एक्स वाला ग्राफ हमेशा आपका कैसा रहेगा, ऊपर, और एल एन वन प्लस एक्स वाला ग्राफ हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे के साइड प्रेजेंट रहेगा। इसको देखिए और बताइए। नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ, कहीं कहीं पे आपको चेक करना रहता है। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करें ना, तो सारे पॉसिबल पॉइंट्स मैं आपको बता दें, फिर मैं कंक्लूजन भी दे देता हूँ। पहले एक बार इसको कंफर्म करूँ, अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया तो हम लोग आगे चल सकते हैं। ये तो सबको समझ आ गया, आप कोई भी पॉइंट इसमें डाल के देख लो, आप इसमें 50 डाल के देख लो, एल एन 51 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे और माइनस 50 करोगे तो नेगेटिव वैल्यू ही आपको मिलेगी, मिल रही है ना सबको। एल एन 2 माइनस 2 करोगे तो नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी आपको, एंड सो ऑन। एक बार इसको चेक करके कन्फर्म कर लेना, ये वैल्यू आपको हमेशा नेगेटिव मिलनी चाहिए। तो यहाँ से एक पॉइंट तो आपको मिल गया कि एक्स इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट पे आपको लोकल मैक्सिमम मिल रहा था। बाकी जो आपके पॉइंट्स मिलेंगे वो कौन कौन से पॉइंट्स आपको चेक करने चाहिए, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे चेक करने होते हैं। तो एक्स इक्वल टू माइनस वन पे भी एक बार आपको वैल्यू चेक करनी है, और साथ में आपको एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी ये वैल्यू चेक करनी है। तो जस्ट वही मैं पॉइंट आपको बता रहा था कि इस पॉइंट से कभी भी जजमेंट नहीं लेना, आपको यहाँ से भी पूरा का पूरा चेक करना है। तो इसमें एक्स इक्वल टू माइनस वन पे भी आप चेक करिए और एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी चेक करिए। ठीक है, माइनस वन डोमेन का हिस्सा है नहीं, ये माइनस वन वाला पार्ट तो आपका बाहर होता है, इन्फिनिटी आपका डोमेन का हिस्सा है, इन्फिनिटी पे भी आपको एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए।
जब आप इसमें माइनस वन वाले पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाके चेक करोगे तो कोई पॉइंट इसमें डाल के देखोगे माइनस वन से थोड़ा सा ज्यादा, और एक बार इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे भी आपको चेक करके देखना। समझ आ गई बात यहाँ तक सबको? तो आगे से देखो हम हैबिट क्या डालेंगे क्वेश्चन में, दो तरह, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। आगे से आप हैबिट क्या डालोगे क्वेश्चन में, आपको हमेशा ये चेक करना रहेगा कि क्रिटिकल पॉइंट से अपनी कैलकुलेशन में अलग रखूंगा। क्रिटिकल पॉइंट से कभी ये मैक्सिमम या मिनिमम का डिसीजन नहीं देंगे कि यही मैक्सिमम हो जाएगा या यही मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ की रेंज आपका माइनस वन से लेकर इन्फिनिटी तक लाई कर रही है। तो अगर माइनस वन से लेकर इन्फिनिटी तक ये ग्राफ लाई कर रहा है तो उन दोनों पॉइंट्स में भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, चलो अब जो डाउट है वो पूछो, फिर मैं एक एक करके इसमें बता देता हूँ आपके डाउट्स। कोई डाउट इसमें है किसी को? सारी बातें समझ गए ना क्या क्या मैंने बताया? एक तो मैंने बताया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम, उसके बाद मैंने ग्राफिकल आपको अंडरस्टैंडिंग दी कि ग्राफ ये पॉइंट आपका कैसा होगा, हमेशा ये ग्राफ आपका एल एन वन प्लस एक्स माइनस एक्स का ग्राफ हमेशा लेस देन जीरो होगा। डेरीवेटिव से भी आप चेक कर सकते थे, ये डेरीवेटिव आपने कैलकुलेट करा, ये डेरीवेटिव आपको मिल रहा होगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, यहाँ से भी आपने निकाला एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा था एंड सो ऑन। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर दोनों को एक साथ हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो आपको और अच्छे से पॉइंट समझ में आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है एट टी इक्वल टू जीरो द फंक्शन साइन टी बाई टी हैज, ये पूछ रहा है ये मिनिमम होगा डिसकंटिन्यूटी होगा सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा एंड डी मैक्सिमम। देखो बोलो, अब जो आप पूछ रहे थे ना कि हर क्वेश्चन में ग्राफ से क्या करना है क्या, तो हर क्वेश्चन में ग्राफ के बारे में सोचो जरूर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना जहाँ ग्राफ से आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका हो सकता है कि आप पूरा डिफरेंशिएट करो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ग्राफ डायरेक्ट इसका बना लो, आप इसका डायरेक्ट ग्राफ बना लो। अगर आपको साइन टी बाई टी का ग्राफ आता है तो क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो गया। देखो ये जीरो साइन टी बाई टी, तो एग्जैक्टली टी इक्वल टू जीरो पे आपसे पूछा था मिनिमा, क्या मिनिमा आएगा? डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब उसके अगल बगल में टेंजेंट डाल के देख लो, इधर आपने टेंजेंट डाला तो भी ग्राफ के ऊपर, इधर डाला तो भी ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ग्राफिकली सैडल पॉइंट अगर आपको चेक करना है ना तो आप क्या करो उसी पॉइंट के अराउंड टेंजेंट डाल के देख लो, अगर टेंजेंट ऊपर नीचे या नीचे ऊपर हो रहा है तो उस केस में बोल देना वो सैडल पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों साइड ही टेंजेंट ऊपर रहा, दोनों साइड अगर नीचे भी रहता तो भी सैडल पॉइंट नहीं होता, मतलब ऑपोजिट होना चाहिए ऊपर या नीचे, तो ये भी रूल आउट हो गया, मैक्सिमा तो दिखिए। समझ आ गई बात? तो अगर आप ग्राफिकली सोच सकते हो तो वो सबसे बेहतर तरीका होता है चीजों को विजुअलाइज करने का। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स, इसमें बोल रहा है द मैक्सिमा अकर्स, मैक्सिमा अकर्स when x is equal to ये पूछ कि x की कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम आकर करना चाहिए। चलो निकालो आंसर, डिफरेंशिएट वगैरह करके आंसर बताओ, 45 सेकंड्स का टाइम ले लो, फिर इसमें मैं आपको एक दो एडिशनल पॉइंट्स बताता हूँ।
एनी आंसर्स? किसी का आंसर है? दो आ गया था, तो सबने आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा कि पॉइंट आपका क्या होगा, x इक्वल टू टू। अब यहीं पे रुक जाओ आप थोड़ा सा, और ये बताओ ये x इक्वल टू टू क्या है? इट इज द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या कर करता है? लोकल वर्ड हमेशा लगाया करो। इस पे क्या कर करेगा? लोकल मैथ। ठीक है, इतना आप आते अपना आंसर निकाल के इतने पे आपको होल्ड कर लेना चाहिए कि मेरा x इक्वल टू टू वाला पॉइंट आ गया, यहाँ पे जो भी फंक्शन बनेगा इसका लोकल मैक्सिमा आकर करेगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, समझ आई बात? चलो, अब इसमें क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमा बोल रखा था, तो मैंने दो सेट ऑफ ऑप्शन आपको दिए, एक ये सेट ऑफ ऑप्शन दिया, एक ये सेट ऑफ। पहले इस सेट ऑफ ऑप्शन पे आओ, तो इसमें तो बहुत क्लियरली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। समझ आई बात? तो अगर यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दे रखा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लोकल मैक्सिमा से रिलेटेड। अगर मान लो क्वेश्चन में उसने ग्लोबल वर्ड ऐड कर दिया होता और एक आंसर देता माइनस इन्फिनिटी, तो मुझे बताओ क्या एक्स इक्वल टू टू सिर्फ लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट ही बनेगा? क्योंकि देखो ग्राफिकली भी दिख रहा है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स, यहाँ पे कहीं बीच में एक्स इक्वल टू टू आपको दिख रहा है, देखो इस वैल्यू और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी, या फिर जब आप माइनस इन्फिनिटी पे इनको मल्टीप्लाई करोगे तब आपको हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी। चेक करके देखिए ग्राफिकली, देखो ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, दिख रहा है ना सबको इन्फिनिटी को टेंड करता हुआ? तो अगर इसमें देखोगे आप तो माइनस इन्फिनिटी पे भी ये ग्राफ कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट। ये भी कहाँ पे जा रहा है? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो इसमें कौन सा पॉइंट करेक्ट होता? डी वाला। तो इन सारे क्वेश्चन से आपको बस ये कंक्लूजन निकाल लेना चाहिए कि कभी भी मैं क्रिटिकल पॉइंट की कैलकुलेशन करता हूँ तो मैं वहां पे सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट है। कभी भी फंक्शन के बारे में मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल दूंगा कि इसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैं आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस के थ्रू ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं वो आपके लोकली मैक्सिमा और मिनिमा का डिसीजन देते हैं, वो भी सारे नहीं दे पाते, सिर्फ वहीं पे देते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होता है। अगर कोई पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला है, जैसे मॉड एक्स में आया था, उस केस में आपका डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो जाता है। ठीक है, चलो ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो बताओ, फिर और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सेम चीज़ मैं आपको इस क्वेश्चन में भी समझाने की कोशिश कर रहा था। इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन दिया होगा तो ऑप्शन से आप टिक कर लोगे, बट वही मैं बोल रहा था x इक्वल टू जीरो को सिर्फ आपको क्या बोलना है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। कई कई बार ग्राफ बनाना उतना आसान नहीं होता है, कई कई बार ग्राफ आसानी से बन जाता है, बट x इक्वल टू जीरो पे आप अपना स्टैंड होल्ड करके रखेंगे ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अगर हाईएस्ट वैल्यू इस फंक्शन की चाहिए तो मैं इसको माइनस वन से इन्फिनिटी तक दोबारा एनालाइज करना चाहूंगा। ओके, चलो अब मैं एक एक करके कुछ पॉइंट समराइज कर देता हूँ, आप लोग उसका आंसर कर दो जिनको सारे पॉइंट समझ में आ गए। सबसे पहले अगर आप किसी भी फंक्शन को, ये मैं यहाँ से रेफरेंस ले लेता हूँ, तो आपको मुझे बताना है कि अगर आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करते हो तो जो ये पॉइंट्स मिलते हैं ये क्या देते हैं आपको? बताते जाइए आंसर। क्या ये आपको क्रिटिकल पॉइंट्स देंगे या स्टेशनरी पॉइंट्स देंगे? दे देंगे। क्या सारे क्रिटिकल पॉइंट्स दे सकते हैं? क्या सारे क्रिटिकल पॉइंट देंगे? नहीं, सारे क्रिटिकल पॉइंट नहीं देंगे, सिर्फ वो वाले देंगे जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। तो मतलब यहाँ पे भी आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कुछ फंक्शन में ऐसे पॉइंट्स तो नहीं है जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, कोई कॉर्नर वाले पॉइंट्स तो नहीं, उनको भी आपको इंक्लूड कर लेना चाहिए अपने क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएट करके जो पॉइंट मिल जाए और ग्राफ को ऑब्जर्व करके जहाँ जहाँ पे ग्राफ आपका कॉर्नर को अचीव कर, ये पहला पॉइंट सबको समझ आ गया। चलो अब ये जो पॉइंट्स आपने कैलकुलेट करें इन पे अगर आप फंक्शन की वैल्यूज निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा? ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा मिल जाएगा या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा? तो इन पे आपको हमेशा क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। अगर क्वेश्चन में पूछा है ग्लोबल बताओ तो क्या करोगे? इन लोकल वाले सारे पॉइंट्स पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेना और एंड पॉइंट्स पे भी कैलकुलेट कर, ठीक है, तब कहीं जाके आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम पॉसिबल। ये तीन आपके टेक अवे हैं आज की क्लास। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब आप सारे क्वेश्चंस पे ये सारी चीजें अप्लाई करके देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द मिनिमम वैल्यू
ग्राफ से भी सोचना, ग्राफ से सोच के तुरंत आंसर देना अगर ग्राफ आप बना पा रहे हो, अदरवाइज तो फिर डिफरेंशिएशन तो है ही, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 1 to 5, इन द इंटरवल 1 to 5 आंसर एक तो डायरेक्ट बता दो, वैल्यू पूछा है ठीक है, वैल्यू पूछा है, ये नहीं पूछा कि किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगी, तो ग्राफ बनाओ, ग्राफ से डायरेक्ट आंसर कर दो। ये रहा आपका ग्राफ, मिनिमम मिनिमम पूछा है, मिनिमम की बात चल रही है, 1 से 5 के बीच में इसको ऑब्जर्व करने को बोल रहा है। मिनिमम वैल्यू यहाँ से कितने दिख रही है, 1, मैक्सिमम कितने दिख रही है, 25, 1 से 5 के बीच में। अब अगर आपको इसको अपने प्रोसेस से करना है तो प्रोसेस से करना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x, यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0, इसका नाम बोलो क्या है, वॉट इज दिस, बोलो इसको क्या बोले, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपने निकाला डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2, पॉजिटिव, तो आपने बोला ये पॉइंट कैसा है, लोकल वर्ड लगाना जरूरी है, मिनिमा लगाना जरूरी है, ठीक है समझ गए ना, तो आपने बोला कि यार x इक्वल टू 0 पे मुझे क्या मिलना चाहिए, लोकल मिनिमा मिलना चाहिए, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक। अब जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया था, आपको ये चेक करना है क्या ये डोमेन का पार्ट है या नहीं, चेक करो क्या x इक्वल टू 0 जो भी डोमेन या जो भी इंटरवल इसने मेंशन कर रखा उसका पार्ट है, इसको क्या कर देना, डिस्कार्ड कर देना। तो अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, एफ एल एफ आर का जो भी मिनिमम, क्योंकि कोई क्रिटिकल पॉइंट आपका डोमेन में आ नहीं रहा, तो पहले तो आपने ग्राफिकली बिल्कुल सही आंसर दे दिया। अगर आप प्रोसीजर से करते तो हर एक स्टेप पे क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि अगर x इक्वल टू 0 आ रहा है तो डोमेन का पार्ट है या नहीं, लोकल बोलोगे ग्लोबल बोलोगे एंड सो। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, मैं आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग समझाता हूँ, देखो एक और क्वेश्चन है, पूछ रहा आपसे मिनिमम, ये ऐसा ले लो, ये दिया द फंक्शन एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, तो पूछ रहा है द मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 0 to ∞, इन द इंटरवल 0 to ∞, 0 इंक्लूडेड नहीं, इंफिनिटी इंक्लूडेड, तो इस इंटरवल में आपसे पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो टू इंफिनिटी के केस में ऑप्शंस भी ले लो, इनवर्स वन प्लस ई, ये पूछा है एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ, अगर आपको याद हो कंट्रोल सिस्टम वगैरह में भी आप पढ़ते हो, तो ग्राफ इसका कैसा बनता है, चलो मैं दिखा देता हूँ ग्राफ कैसा बनता है। एफ डैश एक्स यहाँ से करोगे तो आपको मिलेगा ई पावर माइनस एक्स माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, चेक करो, एक बार आपने ई टू द पावर माइनस एक्स को करा और उसके बाद आपने x को होल्ड करके रखा, ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, इसको आप 0 पुट करेंगे, e पावर माइनस एक्स को कभी 0 हो नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल्स कभी भी 0 नहीं होते, तो यहाँ से मिला आपको एक क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला x इक्वल टू 1, देखो क्या ये डोमेन का पार्ट है, यस, तो इसमें कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब आप इसमें f डबल डैश x कैलकुलेट करो, जब आप इसमें f डबल डैश x कैलकुलेट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करने के दौरान ये तो ई पावर माइनस एक्स रहेगा, इस एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस, आपको नेगेटिव ही आना चाहिए, ये 1 माइनस एक्स और यहाँ से माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो जब आप इसमें एक्स इक्वल टू 1 पुट करोगे ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट क्या हुआ, लोकल या ग्लोबल,
लोकल मैक्सिमम, अभी तो लोकल ही है, बाद में ग्लोबल हो जाएगा तो देखेंगे। अब तीन पॉइंट्स आपके पास आ गए, तो आप मुझे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू बताइए। एफ ऑफ जीरो हो जाएगा जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस जीरो। एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू बताइए। एफ ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। और एफ ऑफ वन की वैल्यू बताइए। तो अगर आप इसमें एफ ऑफ वन पुट करोगे ये मिल जाएगा आपको ई इनवर्स। देखो ये तो बिल्कुल पक्की बात है जीरो होगा। इसमें कई लोग ये डिबेट कर सकते हैं कि सर इन्फिनिटी इंटू जीरो तो अनडिफाइंड होता है या इनडिटर्मिनेट होता है। इसमें आप ये बोल सकते हो कि सर मैं इसको ऐसे लिख देता एक्स अपॉन ई पावर एक्स और ये बन जाता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। यहाँ पे मैं एल हॉस्पिटल लगा के आंसर कैलकुलेट कर लेता या इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म की कैटेगरी में डाल देता। बट याद रखना जब भी आपका एलजेब्रिक अपॉन एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल अपॉन एलजेब्रिक की कैलकुलेशन होती है उस केस में हमेशा जो एक्सपोनेंशियल की ग्रोथ होती है वो मल्टीपल टाइम्स होती है एज कम्पेयर टू एक्स। तो अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी लेके जा रहे हो और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर रहे हो तो ये जो रेशियो होगा ना ये हमेशा टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। कहने का मतलब है कि अगर एक्स को आपने यहाँ पे हज़ार डाला और यहाँ पे भी एक्स को हज़ार डाल दिया तो मुझे बताना क्या ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा टेंडिंग टू जीरो बनेगा। तो जितने भी आपके एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होते हैं उनकी ग्रोथ सबसे फास्ट होती है, सबसे फास्ट रेट से वो ग्रो करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक्स को इन्फिनिटी डाल दोगे ना तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के बीच का जो रेशियो आएगा ये हमेशा जीरो को ही टेंड करेगा। तो ये वाला जो वैल्यू है ये भी आपको हमेशा कहाँ पे टेंड करता हुआ दिखेगा, जीरो। समझ आ गई बात? ये ऐसे कंट्रोल सिस्टम में भी आप करते होंगे जब आप क्रिटिकली डैम्प सिस्टम का रिस्पॉन्स बनाते हैं तो वहाँ पे भी यही सिनेरियो आता है एग्जैक्टली टी इक्वल टू जीरो पे, सॉरी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो आप जाके चेक करना वहाँ पे भी यही रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। चलो इसका ग्राफ देख लो। इसका ग्राफ आप सिग्नल सिस्टम में भी बनाते होंगे और नेटवर्क में भी बनाते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है एक्स की पावर माइनस एक्स का। ये आपका जीरो पे जीरो होता है, इन्फिनिटी पे जीरो होता है और बीच में आपको देता है ये मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, मैंने सिर्फ एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए बनाया क्योंकि जीरो से इन्फिनिटी में ही बनाने को बोल रहा था। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है ये मिलेगा एक्स इक्वल टू वन बाई। तो अगर अगर आपकी ब्रांच ईसी इलेक्ट्रिकल है और आपने कभी अगर सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम सिस्टम बनाया होगा, सॉरी सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकल डैम सिस्टम बनाया होगा यूनिट इंपल्स इनपुट के लिए तो उसका रिस्पॉन्स ऐसा ही आता। चेक कर लेना सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम क्रिटिकल डैम। क्रिटिकल डैम जब आप इंपल्स इनपुट देते ठीक है, तो ये भी आप चेक कर लो वहां पे भी ऐसे ही कुछ आप बनाते हो टी पावर माइनस टी यू इसी को प्लॉट। समझ गए सारे लोग सारे पॉइंट्स? तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी, काफी सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, आगे से इसको याद रखना। बाकी जो अपना नेक्स्ट सेशन है वो शायद 5 बजे या 5:30 बजे, उसमें हम लोग डिजिटल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो फिर ये वाला सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।